ये कहता है देखो एक प्लांक है, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। एक प्लांक है जिस बॉक्स है ऑन इट, उस प्लांक पे एक इंक्लाइंड प्लेन है, उस पे एक बॉक्स रखा हुआ है जिस पे एम जी फोर्स लग रहा है, ठीक है, अर्थ लगा रही है, एंगल 30 डिग्री है। कहता है बॉक्स स्टार्ट स्लीपिंग, स्लीपिंग नीचे आना स्टार्ट कर दिया एंड स्लाइड 4 मीटर डाउन इन 4 सेकेंड। 30 डिग्री पे ब्लॉक स्लाइड करना एट द एंगल ऑफ द 30 डिग्री हॉरिजेंटल, 30 डिग्री पे ब्लॉक स्लाइड करेगा, ठीक है, मतलब उसे नीचे स्लाइड नहीं करेगा, उसे नीचे रेस्ट में रहेगा, उसे ऊपर तो करेगा ही करेगा। अब 30 डिग्री पे यहाँ पे 4 मीटर स्लाइड कर दिया, तो कहता है कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है, हमें निकालना है म्यू एस और म्यू के कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। चलो तो ये क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसको थोड़ा सा भी फ्रिक्शन के बारे में आइडिया होता है। चलो मेरी बात समझने की कोशिश करना, ये एक थीटा एंगल है, हमको पता है कि एक एंगल स्पेशल एंगल होता है थीटा, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, जिस पे अगर जिस एंगल पे अगर कोई ब्लॉक यहाँ आया तो उसको नीचे उस एंगल पे, समझना मेरी बात ध्यान से, उस एंगल पे जो फ्रिक्शन होता है वो मैक्सिमम लगता है और वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है और उसकी कोफिशियंट ऑफ म्यू होती है और उस एंगल को एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं और यहाँ एंगल ऑफ रिपोज 30 डिग्री है। 30 डिग्री पे कंपे कभी भी नीचे नहीं आएगा, 30 डिग्री पे नीचे इक्विलिब्रियम में रहेगा, जस्ट स्लाइड ऑफ टेंडेंसी है, तो उस वक्त जो फ्रिक्शन लग रहा है वो मैक्सिमम लग रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ जो म्यू होता है, म्यू वो टैन थीटा के इक्वल होता है ना, और इस समय जो म्यू है वो स्टैटिक होता है, तो म्यू स्टैटिक इज इक्वल टू टैन थर्टी इज इक्वल टू 1/√3। 1/√3 को जब सॉल्व करोगे तो 0.6 आ जाता है, ठीक है, समझ रहे हो ना, पहला केस है। अभी जब कभी भी, समझ रहे हो ना, इस स्पेशल एंगल पे फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज है थीटा, ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज है भाई, उस पे जो फ्रिक्शन लगती है मैक्सिमम फ्रिक्शन लगती है और उस वक्त म्यू जो होता है म्यू एस वो स्टैटिक लगता है, इसके बाद तो स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, और 0.6 मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन 0.6 है। तो क्या पूछा है, द कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक, मतलब ये हुआ या तो डी ऑप्शन सही है, ये कभी सही नहीं हो सकता, ये कभी सही नहीं हो सकता, या तो डी सही है और या बी सही है। अब जो बच्चा स्मार्ट है उसको ये बात पता है कि कोफिशियंट ऑफ ये जो है वो काइनेटिक और ये फ्रिक्शन इक्वल नहीं होता, कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा सा कम होता है स्टैटिक से, ठीक है, स्टैटिक का आधा होता है, तो ये भी कभी सही नहीं हो सकता और ये सही होगा, ठीक है, वो एक लाइन में सॉल्व कर लेगा। लेकिन जो मेहनती बच्चा है, जो हार्ड वर्कर है, वो दोबारा म्यू के लिए सॉल्व करेगा, तो चलो हम भी सॉल्व कर देते हैं, म्यू के भी निकालते हैं। इसके बाद इस एंगल पे स्लाइड करके यहाँ आ गया और ये 4 मीटर है, ऐसा क्वेश्चन में बताया गया। अब जब स्लाइड करके यहाँ आ गया तो उसको म्यू के लग रहा होगा, म्यू काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। अब 4 मीटर स्लाइड किया, टाइम लग गया कितना स्लाइडिंग में, टाइम दिया होगा 0.4 सेकेंड, टाइम लग गया 4 सेकेंड, 4 मीटर स्लाइड किया। हमको पता है कि जब कभी भी ब्लॉक स्लाइड करता है इस तरह के सिचुएशन में तो एक्सलेशन कांस्टेंट होता है और उस एक्सलेशन की वैल्यू हम लोग को याद है, और जिसको याद नहीं है वो इक्वेशन लिखेगा, ठीक है। नीचे अगर स्लाइड करता है तो एक्सलेशन होता है जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, है ना। अब ये इक्वेशन जिसको याद नहीं है वो, ठीक है, एक्सलेशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, अब जिसको याद नहीं है वो क्या करेगा, वो इक्वेशन लिखेगा। कैसे लिखेगा एक बार मैं उसको लिख के बता दे रहा हूँ, एम जी साइन थीटा नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, और ये एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन म्यू फ्रिक्शन फोर्स ये, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू डालोगे तो एम जी साइन थीटा माइनस म्यू नॉर्मल एम जी कॉस थीटा, और जी जी कॉमन ले लिए तो देखो वही एक्सलेशन आ गया। अब ये जो एक्सलेशन है वो एक कांस्टेंट है, तो क्या मैं इक्वेशन हम उसे लगा सकता हूँ, हाँ सर बिल्कुल लगा सकते हो आप, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना, ए टी स्क्वायर जब ये चला था तो रेस्ट से चला था, डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर हो गया,
हाफ एक्सलेशन ए ऊपर वाला टाइम लग गया टी स्क्वायर, तो एक्सलेशन ए की वैल्यू आ जाएगी एट अपन टी का स्क्वायर, एट अपन टाइम टी आ गया 8/16 मतलब 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सलेशन आ गया। इसको ले जाके यहाँ पर रखोगे और जी की वैल्यू रखोगे, साइन 30 रखोगे, तब जाके म्यू के पता चलेगा, है ना, कितना लंबा प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 रखे, जी की वैल्यू 10 रखे, साइन 30 रखे, माइनस म्यू के हमें चाहिए, कॉस 30 रखे, और उसके बाद सॉल्व किए और यह आ जाएगा 0.5। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, जो थोड़ा सा भी दिमाग लगाएगा उसको पता है कि एंगल ऑफ रिपोज पे स्लाइडिंग होती है, तो एंगल ऑफ रिपोज म्यू एस टेन थीटा होता है, उसने निकाल लिया, बाकी आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सही नहीं हो सकता, ये सही नहीं हो सकता, क्योंकि पहले स्टैटिक पूछा है और ये कभी स्टैटिक और काइनेटिक के बराबर होता नहीं है, ये हमेशा कम होता है, तो ये वाला प्रॉपर्टी से सॉल्व कर दिया। ये स्मार्ट वे है, दैट इज़ ए स्मार्ट